Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। धक्के मारकर हटाओ इस ढोंगी पंडित और इसकी फौज को। कासिम नहीं हूं मैं, मेरा नाम नीलकंठ भाटध्यानी है। लाहौल बिलाकुवत, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? कहाँ है सब? रजाला, क्या कयामत आ गई है? क्यों चीख रही हो तुम? बात ही ऐसी है बड़ी अम्मी, ये देखिए। मुलाजिमों के बाथरूम के बाहर मिला मुझे ये वही धागा है जो हिंदू पंडित पहना करते हैं। ओ भयंकर, नहाते समय जनेऊ निकाल कर रखा था, वापस पहना ही नहीं। मुलाजिमों के बाथरूम के बाहर? लेकिन हमारे घर में तो सारे मुलाजिम मुसलमान हैं। मैं भी ऐसा ही सोचती थी बड़ी अम्मी, लेकिन इनमें से कोई है जो झूठ मूठ मुसलमान बनके हमें गुमराह कर रहा है? इन मुलाजिमों में कोई एक हिंदू है। क्या ये सच है? हमारे घर में किसी गैर मजहबी इंसान को रहने की इजाजत नहीं है। अगर तुम में से कोई हिंदू है तो अभी बताओ। वो आदमी इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा बड़ी अम्मी। वो दगाबाज कौन है ये हमें ही पता लगाना होगा। अब तुम सब एक एक करके बड़ी अम्मी के सामने पहला कलमा पढ़ोगे। मिसेस बेग, उसकी क्या जरूरत है? मेरा मतलब कि कोई मामूली धागा होगा, और अगर हमारे घर में कोई हिंदू होता तो अब तक अपनी सच्चाई नहीं छुपा पाता। वो सब मैं कुछ नहीं जानते, इन सबको कलमा तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन मिसेस बेक, बड़ी अम्मी खुदा के लिए कह दे इस लड़की से कि हर बार मेरे काम में टांग ना अड़ाया करे। मैं जो कुछ कर रही हूँ इस घर की पाकीजगी बचाने के लिए ही कर रही हूँ। चाहत, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन दादी अम्मी, मैं हमने कहा ना अपने कमरे में जाओ। चलो शुरू हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कैसे बचोगे नीलकंठ ध्यानी? कासिम, तुम भी आओ। गजाला, कासिम का इम्तिहान क्या लेना है? ये तो हमारा खास मुलाजिम है, ये तो गैर मजहबी हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बार पढ़ लेगा तो उसमें क्या हर्ज है बड़ी अम्मी? कासिम, कलमा पढ़ो। औज़ू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान निर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। पहला कलमा पाकी का। मुहम्मदुर रसूलल्लाह, पहला कलमा पाकी का। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। थैंक यू अल्लाह मियाँ, थैंक यू सो मच। या अल्लाह नील, इतनी बार फंसते फंसते बचे हैं, अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा है। अच्छा, आप एक काम करिए, आप ये ईयरपीस अपने पास रखिए। जब भी आपसे कोई ऐसा सवाल करेंगे ना जिसका जवाब आपको नहीं पता होगा,
तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस ईयरपीस के थ्रू आपको सही जवाब दे पाऊं। अब तो कोई शक नहीं है ना बाजी? इसकी तो राई का पहाड़ बनाने की आदत है। चाहत ने ठीक ही कहा था, शायद किराने के सामान के ऊपर बंधा हुआ धागा ही होगा। चलो कासिम, हमें दरगाह के पास कुछ काम है। इस बार तो तुम बच गए नील। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करते रहूंगी और अगली बार कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी। ये इलेक्शन जीतने के लिए जरूरी है कि नील और चाहत जुदा हो जाए। इसी बात का डर था मुझे कसला जी, इसी बात का डर था। मैं जानता था कि नीलकंठ इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। ये कासिम बन के आपके घर में रह रहा है। मैं तो दाद देती हूँ उसकी हिम्मत की, रहने आया तो दुश्मनों के घर में। तो यही तो मौका है गजाला जी, जान से मार दो उस कमीने को। नहीं, अब तो मुझे लगने लगा है कि एक झटके में इसे मार देने में क्या मजा। अब मैं इसकी सच्चाई महंत व्यास के सामने लेकर आऊंगी, वो भी हमारे मजहब के नाम और लिबास के साथ। खुदा करे ये सदमा महंत व्यास की जान ही ले ले। नहीं नहीं, लेकिन ये कैसे संभव होगा? एक तरकीब है मेरे पास, आप बस वैसा ही करें जैसा मैं कहती हूँ। मामा जी, सरा जी, मामा जी, वो गांव वाले से मुश्किल से बात करके आया हूँ। वो लोग मान गए, अब वो लोग हमारे परिवार का बहिष्कार नहीं करेंगे। वाह 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 वाह, भोलेनाथ के घर में देर है अंधेर नहीं। अरे गोदाम्बरी, जल्दी से जा और दो चार सब्जियां खरीद के ले आ, दो दिन से सिर्फ खिचड़ी खा रहे हैं हम लोग। मामा जी, दरअसल वो गांव वालों की एक शर्त है। दरअसल वो चाहते हैं कि सोरा जी मंदिर की जोत हाथ में लिए प्रयाशित यात्रा निकाले। क्या? जी जी जाजी, प्रयाशित की यात्रा करेंगे। अरे मंदिर के महंत हैं वो। आप किया है तो प्रायश्चित करने में संकोच कैसा? मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूं आलेख। सोरा जी, मैं जोत लेकर आता हूं। ये लीजिए सोरा जी। आइए। सोरा जी निकल चुके हैं गजाला जी, अभी आप जानती है कि आपको क्या करना है। अब तुम मुंह बनाओ या फिर नाराजगी जताओ, तुम्हें अपनी शादी का जोड़ा तो आज पसंद करना ही होगा, वरना हम अपनी पसंद के लिबास में ही तुम्हें विदा कर देंगे। बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, ये सब बाद में। आज आपको मेरे साथ कैंपेनिंग पर चलना होगा और खुदा के लिए मना मत कीजिएगा। लेकिन गजाला, तुम तो जानती हो ना, हमें सियासती दाव पेच का ना तो इल्म है और ना ही कोई शौक। लेकिन बड़ी अम्मी, आप ही तो कहती है ना कि कुर्सी कौम की खिदमत करने का एक जरिया है, और फिर हमारे यहाँ मुसलमानों के मसाइल ऊपर तक पहुँचाने वाली कोई आवाज नहीं है। मैं वो आवाज बनना चाहती हूँ, और हमारी बच्ची पर उन गैर मजहबी लोगों ने जो जुल्म ढाए थे उनका बदला भी लेना चाहती हूँ। अब तो आप चलेंगी ना मेरे साथ? अब मैं तो चाहती हूँ कि आप, मैं, चाहत, कासिम, हम सब चलें। ठीक है, पर अगर तुम हमें कल रात को बता देती तो हम कोई अच्छे से कपड़े निकाल लेते। अब चलो,
हमारी मदद करो कपड़े निकालने में। जी जी जरूर। हमीद जीप रेडी कराओ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।